व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं कसम रजा और आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे मुश्किल तरीन फैसलों की जो हर गेमर को अपनी जिंदगी में कभी न कभी लेने पड़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर लें यार, शुक्रिया। एक बार गेमर पे ऐसा आता है कि जब वो कोई ऑनलाइन गेम खेल रहा होता है तो जिंदगी में पहली दफा उसकी टीम में कोई लड़की ऐड हो जाती है और वो अपना सब कुछ उस लड़की पे कुर्बान करना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो वो जाके उसे कोई अच्छी सी गन देता है, फिर जब उसकी गोलियां खत्म होती हैं तो वो उसे गोलियां सप्लाई कर रहा होता है, फिर इमरजेंसी के वक्त उसे मेडकिट पहुंचाता है, फिर उसको पेन किलर देता है, फिर उसे बैंडेजेस देता है, उसका ड्राइवर बन जाता है, उसका शेफ, दर्जी, मोची सब कुछ बना हुआ होता है। और दूसरी तरफ होता है उसका लंगोटिया यार, जिसके साथ वो बचपन से टोपियां करता हुआ आ रहा होता है। और फिर आता है उस गेम में ऐसा वक्त जब उसको उन दोनों में से किसी एक को बचाना। अब मैं तो आपको सिर्फ अपना ही बता सकता हूँ, अगर मैं उस जगह होता तो मैं क्या करता। मैं तो अपने दोस्त को बोलता कि तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। और यकीनन मेरे दोस्त को ये रिप्लाई होता है कि मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। और दूसरा फैसला है गेमर को तब करना पड़ता है जब वो एक खास कैटेगरी की गेम खेलना पसंद करता हो, चाहे वो ओपन वर्ल्ड हो, आरपीजी हो या एफपीएस। और एक गेमर कोई भी नई कैटेगरी की गेम खेलने से पहले 100 दफा सोचता है, क्योंकि जो कैटेगरी उसे पसंद है उस कैटेगरी की गेम्स तो वो कब से खेलता हुआ है और उन गेम्स के बारे में उसे सब कुछ पता है। लेकिन जब वो एक न्यू कैटेगरी की गेम स्टार्ट करेगा तो उसे दोबारा से सब कुछ सीखना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई बचपन से नीड फॉर स्पीड जैसी गेम्स खेलता हुआ आ रहा है, उसके लिए पबजी पे शिफ्ट होना बहुत मुश्किल है। और फिर आ जाते हैं आजकल की मॉडर्न गेम्स के मिशन, जिसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अगले को मार दें या छोड़ दें। जैसे कि GTA 5 के फाइनल मिशन में हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम लोग ट्रेवर को मारें या माइकल को, और उस वक्त हम जैसा डिसीजन लेते हैं गेम का एंड उस तरह का होता है। इसलिए जब ऐसा मौका कोई आता है तो इसमें फैसला करना मुश्किल हो जाता है। और फिर एक फैसला तब करना होता है कि जब हमारा किसी गेम में बैग पैक फुल हो जाता है और फिर हमें समझ नहीं आती कि हम कौन सी चीज गिराएं और कौन सी उठाएं। फिर बंदा सोचता है कि पेन किलर गिरा दूं या बैंडेजेस, लेकिन फिर बंदे के जहन में आता है कि यार अगर बाद में जरूरत पड़ गई तो फिर क्या करूंगा। कोई बंदा सोचता है कि यार ये गन तो मैं यूज नहीं कर रहा है, इसको हम गिरा देते हैं, लेकिन फिर जहन में ख्याल आता है कि यार अगर कोई गन नहीं मिली तो फिर मैं क्या करूंगा। ये आखिरी फैसला कुछ गेमर्स की जिंदगी का पहला फैसला होता है, और वो ये कि जब उनको ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो गेम्स के लिए पीसी लें या फिर कंसोल। अब मेरे मुताबिक तो पीसी बेटर है, क्योंकि आप उसको गेम्स के अलावा और कामों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब कभी अपग्रेड करने का वक्त आए तो आप उसके हर कंपोनेंट को आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं। ये एक बहुत लंबी डिबेट है, लेकिन हर किसी की अपनी पसंद है। कुछ लोगों को कंसोल पसंद होते हैं और कुछ लोगों को पीसी, तो भाई जिसका जो दिल है वो ले ले। तो भाई ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप शेयरिंग।